राजस्थान और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है, उसमें किन आरोपियों को पकड़ा गया, क्या इनके रोल है? देखिए, 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या हुई थी। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को, जो मेन अक्यूज्ड है, उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। सबसे पहला आरोपी नितिन फौजी, डूंगरपुर जाट महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद रोहित राठौड़, मकराना राजस्थान का रहने वाला है, और तीसरा इनके साथ ऊधम सिंह, जो हिसार का रहने वाला है। अब इसमें मर्डर के बाद जो राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम है एमएन दिनेश, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उन्होंने ये बताया कि मर्डर के बाद इन्होंने जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस एनडीआर की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय डूंडाहेड़ा में ही बस से उतर गए, सॉरी धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन पे, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला हिसार का। वहां से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए वहां पे। वहां से इन्होंने हिमाचल के लिए एक टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो एडीजी क्राइम की टीम थी, उनके भी 2-3 लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहां से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहां से लेके आए, और अब इनको हम गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना कर रहे हैं। तीनों का रोल क्या है? देखो, 2 तो शूटर है और तीसरा जो ये ऊधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया, और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर ऊधम सिंह है। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। ये ऑपरेशन जो डिटेल थे वो मैंने आपको बताया। वो इन्होंने बता दिया है कि पिस्टल कहाँ पे छुपाई है, वो सारी चीजें, कार्रवाई भी चल रही है। नवीन चकावत का रोल सामने आया जिसको मारा गया, नवीन चकावत के बारे में पता लगा? वो इनके साथ ही था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई।